रिजर्व बैंक ने अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स की जानकारी के लिए एक पोर्टल जारी किया है, उद्गम के नाम से ये पोर्टल, यानी अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे टू इंफॉर्मेशन, जिसके तहत जिन लोगों का भी डिपॉजिट अनक्लेम्ड बैंकों में पड़ा है लेकिन उनको कोई जानकारी नहीं है, वो उस पोर्टल पर जानकारी जाकर ले सकते हैं। अप्रैल में ही रिजर्व बैंक ने घोषणा की थी कि बैंक अपने अपने जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट हैं, जो लोग बैंकों से पैसा लेके आ नहीं रहे, उसको वो अप्रोच करें। बैंकों ने उसको अप्रोच किया लेकिन उतनी सफलता नहीं मिली। फिर रिजर्व बैंक ने कहा कि अपने अपने वेबसाइट पर डालें, लेकिन उसमें भी उतनी सफलता नहीं मिल रही थी, जिसके कारण से रिजर्व बैंक ने ये एक यूनिफॉर्म पोर्टल जो है यूनिफाइड, ये एक लॉन्च किया है। अभी इसमें 7 बैंक जुड़े हैं, स्टेट बैंक है, PNB है, प्राइवेट 2 निजी बैंक हैं। तो इन बैंकों की जो जानकारी है अनक्लेम्ड डिपॉजिट की, वो इस पोर्टल पर जाकर आप सर्च कर सकते हैं। 15 अक्टूबर तक रिजर्व बैंक ने कहा है कि बाकी बैंकों का अनक्लेम्ड डिपॉजिट का डाटा भी इस पोर्टल पर आ जाएगा। तो ऐसे सभी डिपॉजिटर्स जिनको ये पता नहीं कि उनका पैसा बैंकों में पड़ा है, वो अपनी जानकारी ले सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे डिपॉजिटर जो कि ना तो अपना कोई नॉमिनी अपना अकाउंट में डालते हैं, या कोई ज्वाइंट अकाउंट होता है, और उनकी लास्ट जो एड्रेस है वो भी बैंकों के पास नहीं होता, ऐसे में उनकी मृत्यु के बाद वो पैसा बैंकों में पड़ा रहता है और 10 साल के बाद वो पैसा रिजर्व बैंक में चला जाता है। तो ऐसे सभी अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स को सर्च करने के लिए रिजर्व बैंक ने एक बहुत बड़ा अच्छा सराहनीय कदम शुरू किया है, जिससे ग्राहक अपने और अपने जो एंसेस्टर्स हैं उनकी जानकारी डिपॉजिट्स की, वो उनके पास था क्या डिपॉजिट था, वो जानकारी इस उद्गम पोर्टल पर जाकर अपनी जानकारी जो है वो ले सकते हैं, और उसके बाद उस पैसे को क्लेम करने के लिए प्रोसेस में भाग ले सकते हैं।